सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपनी अपनी फैमिलीज के साथ बेहद खुश होंगे। जी तो आज की जो रेसिपी है इसमें हम बनाएंगे ये तवा बोटी। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है और नहायत ही मुनासिब से अज़ा का इस्तेमाल करते हुए इसे बनाएंगे और बनाना भी बहुत आसान है। तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे मेरे पास बीफ है, बोनलेस से हड्डी के बिना है और ये 1 kg है और इस तरह इसे मैंने कट कर लिया है छोटे छोटे पीसेस में, तो आप ये चेक कर सकते हैं। अच्छा जी, अब इसमें नेक्स्ट जो है वो दही ऐड करेंगे। 250 ग्राम इसमें दही ऐड कर देंगे और इसके साथ 1 चम्मच जो है वो जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट ऐड कर देंगे। तो दोनों को पेस्ट की फॉर्म में भी आप ऐड कर सकते हैं, तो ये मोटा कूटा हुआ तो आप ऐसे भी ऐड कर सकते हैं, तो आप ये चेक कर सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है इसमें 1/2 टेबल स्पून जो है वो रेड चिली पाउडर, 1/2 टेबल स्पून ही हम ऐड करेंगे हल्दी पाउडर और इसके साथ साथ नेक्स्ट जो है 1 टेबल स्पून जो है वो नमक ऐड कर देंगे। और देखिए जी, बड़े सिंपल से अज्जा हैं, ज़्यादा हाई फाई नहीं है। इसके साथ नेक्स्ट जो है रोस्टेड धनिया और ज़ीरा पाउडर ऐड कर दिया है, ये भी 1 चम्मच है और 1/2 टेबल स्पून जो है वो रेड चिली फ्लेक्स हैं, तो ये ऐड कर दी। अच्छा जी, अब इसे क्या करना है, आपने बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि ये सब भी स्पाइसेस जो ऐड किए हैं हमने ये मीट के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएं और नेक्स्ट जो है इसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाए, तो इसलिए आप इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लें। तो आप ये चेक कर सकते हैं, मिक्स कर लें, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। जी तो बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है, अब आपने क्या करना है, इसे 2 घंटे के लिए रख देना है फ्रीज़र में। फ्रीज़र में रखते हैं या फ्रिज में रखते हैं, जहाँ पर भी आपको ईजी लगे आप रखते हैं। जी तो 2 घंटे हो चुके हैं। अब नेक्स्ट जो है मैंने एक कढ़ाई ली है, इसके अंदर ऐड कर दिया है देसी घी। यहाँ पे मैंने देसी घी का इस्तेमाल किया है, आप ऑयल का या घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अच्छा जी, अब इसमें नेक्स्ट जो है 1 चम्मच ज़ीरा ऐड कर देंगे, साबुत ज़ीरा, और इसे फ्राई करेंगे। तो जैसे ही ज़ीरा फ्राई हो गया है, अब इसमें नेक्स्ट जो है वो मैरिनेटेड मीट जो है वो ऐड कर देंगे, जैसे अभी हमने मैरिनेट किया 2 घंटे के लिए, तो वो ऐड कर दिया। अब इसे क्या करेंगे, बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि ये ज़रा अच्छे से मिक्स हो जाए। और इसके साथ साथ अब आपने क्या करना है, इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पे कुक करना है, तो आप ये चेक कर सकते हैं, मैं इसे कुक कर रही हूँ 10 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पे। तो बहुत ही सिंपल से अज्जा हैं और इन्हीं का इस्तेमाल करते हुए जो है वो तवा बोटी बनती है। तो ये मेरे पास ज़्यादा डीप कढ़ाई नहीं है, तवा टाइप ही है, तो मैं इसमें बना रही हूँ। आप तवे पे भी इसे आसानी से बना सकते हैं, किसी भी किस्म का कोई भी इशू नहीं होगा। तो ये आप चेक कर सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त सी जो है रेसिपी हमारी तैयार हो रही है। अच्छा जी, 10 मिनट बुनाई करने के बाद आप इसे क्या कर देंगे, कवर कर देंगे और 1 घंटे के लिए लो टेम्परेचर पर कुक करेंगे। 1 घंटे बाद ये है जी लुक, मीट जो है वो अच्छे से टेंडर हो गया है। अब इसे क्या करेंगे, 5 मिनट के लिए लो टेम्परेचर पे मज़ीद कुक करेंगे ताकि इसकी अच्छे से भुनाई हो जाए। जी तो 5 मिनट भुनाई करने के बाद ये है जी लुक, आप ये चेक कर सकते हैं किस कदर मज़ेदार सी तवा बोटी जो है वो तैयार है। ये है जी इसकी फाइनल लुक। अब नेक्स्ट जो है इसके टॉप से हम हरा धनिया ऐड कर देंगे ताकि ये मज़ीद अच्छी लगे, तो बिल्कुल लास्ट पे ही ऐड करें जब आप इसे सर्व करें। और इसके साथ साथ जैसे कि मैंने देखा हरा धनिया ऐड कर दिया, अब ग्रीन चिली का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और इसके साथ साथ नेक्स्ट जो है अनियन रिंग का इस्तेमाल करेंगे ताकि ये मज़ीद खूबसूरत लगे। तो ये है जी तवा बोटी, आप ये देख सकते हैं किस कदर मज़ेदार सी रेसिपी है ये, और बनाना भी बहुत आसान है और बहुत ही मुनासिब से अज़ा का इस्तेमाल करते हुए इसे बना लिया है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कर दें, शेयर कर दें और जी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। मिलती हूँ जी अपनी एक नई रेसिपी के साथ, एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।